गाबा के बाद पर्थ में टूटा कंगारुओं का घमंड। भारत ने पहला टेस्ट मैच 295 रनों से जीता। बुमराह कोहली जायसवाल ने रचा इतिहास। तो भाई लोगों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 12 रन से आगे खेलना चालू किया। दिन का पहला विकेट कप्तान जसप्रीत बुमराह ने ख्वाजा को आउट करके लिया। सिराज टीविन स्मिथ को 47 रन पर चलता किया। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्स के बीच 82 रन की साझेदारी हुई। फिर उसके बाद लंच के बाद जसप्रीत बुमराह ट्रेविस हेड को 89 रन पर पंत के हाथों कैच आउट करवा कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और शतक से चूकना पड़ा। मार्स 47 रन बनाकर नीतीश रेड्डी का शिकार हुए। नीतीश रेड्डी टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला विकेट हासिल किया। अब इसके बाद वासी की सुंदर बॉलिंग दिखाई दिया। नाथन लायन और स्टार्को को चलता किया। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 238 रन पर सिमट गई। भारतीय टीम 295 रनों से यह मुकाबला जीतकर पर्थ में इतिहास रच दिया। जसप्रीत बुमराह 3 विकेट, वाशिंगटन सुंदर 2 विकेट, मोहम्मद सिराज 3 विकेट, राणा 1 विकेट, नीतीश रेड्डी 1 विकेट हासिल किया। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल 161 रन की इस मैच में शतकीय पारी खेली थी। वह किंग विराट कोहली का इंटरनेशनल में 81 सेंचुरी पूरा हुआ। यशस्वी जायसवाल पहले एशियाई खिलाड़ी बन चुके हैं जो सबसे कम उम्र में ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर शतक ठोका। 2021 में गाबा का घमंड तोड़ने के बाद भारतीय टीम अब 2024 में जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में का भी घमंड तोड़ दिया। दोस्तों, भारतीय टीम 5 मैच की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त ले चुकी है। भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पर दिल से एक लाइक तो जरूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर प्रकार के क्रिकेट अपडेट न्यूज के लिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट न्यूज में। जय हिंद।